नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यूपी के बरेली में एक सनसनी वारदात सामने आई है, जहां एक किशोर की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते उसके ही हम उम्र के किशोर की अपनी एक मित्र के साथ मिलकर गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी किशोरों को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी मच गई जब एक किशोर का शव गांव के बाहर खून से सना हुआ मिला। किशोर के परिजनों को जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गई। किशोर के पिता ने मृतक किशोर के दो दोस्तों के साथ फोन पर बात होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और दोनों को अपने गिरफ्त में ले लिया। जब हत्याकांड के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों ने सच उगला, जिसमें एक युवक ने बताया कि मृतक किशोर उसकी प्रेमिका से मेलजोल बढ़ा रहा था। इस बात से नाराज होकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि आंवला थाना क्षेत्र में किशोर की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में दो किशोरों को गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की वजह सामने आई है। आरोपी किशोरों को माननीय कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। इंटरनेट ने बदल दी किशोरों की जिंदगी। जिस उम्र में किशोर पढ़ने लिखने की बातें करते हैं, उस उम्र में अपने ही हम उम्र के युवक की हत्या कर देना कोई छोटी वारदात नहीं कहा जा सकता। सवाल ये उठता है कि खेलने कूदने की उम्र में बच्चे आखिर अपराध की दुनिया में क्यों दाखिल हो रहे हैं? क्या बच्चों को घर में मिलने वाले संस्कारों में कमी आई है? वहीं शहर के क्राइम रिपोर्टर मानते हैं कि इंटरनेट ने किशोरों के साथ युवाओं की जिंदगी बदल दी है। अब युवा अपने अधिकतम समय मोबाइल पर बिताते हैं और अपने पसंद का कंटेंट भी देखते हैं। इसके साथ ही घर के परिजनों के साथ भी कम ही बैठते हैं। ऐसे में युवाओं को अपने बुजुर्गों से संस्कार नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा किशोरों का खान पान भी उनको जीवन को प्रभावित कर रहा है। बरेली से न्यूज नाइन भारत के लिए सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र हावला के एक ग्राम में एक किशोर की हत्या की गई है। इसके संदर्भ में दो उसी के परिचित किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। जो हत्या का मोटिव है, एक जो त्रिकोणी प्रेम प्रसंग है उसके संदर्भ में ये हत्या करी गई है। जो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनको माननीय न्यायालय के सामने अरेस्टिंग के वक्त पेश किया जा रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।